बेसिकली आज हम अपनी सीयूईटी जर्नी और हमारा एक्सपीरियंस और आपको कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो डोंट फॉरगेट, आप पूरी वीडियो देखना बिकॉज ये आपके लिए बहुत ही सही जाने वाली. लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज अवर जर्नी इन सीयूईटी. सो आई विल टेल यू माई जर्नी, देन सेजल विल टेल हर जर्नी ऑफ कोर्स. सो माई सीयूईटी जर्नी इज वेरी ट्रॉमेटाइज्ड ऑफ कोर्स बिकॉज हम पर एकदम से उन्होंने बॉम्ब जो है छोड़ दिया कि आपको सीयूईटी भी देना है, दो बार एग्जाम भी देना है. तो ये बहुत ट्रॉमेटाइज था. फिर उसके बाद हमारे पास सिर्फ 2-3 months लेफ्ट थे और उसके बीच में मुझे ये था कि मैं तो ऐसा लेट थी कि ठीक है हो जाएगा, ये कैंसिल कर देंगे, वो 12th वाला मार्क्स दोबारा आ जाएगा. मैं वही इमेजिन करती थी अपनी लाइफ में तो कि ये ऐसे कर रहे हैं क्योंकि हर बार ऐसी कुछ ना कुछ नई पॉलिसी लेकर आते हैं तो ये कुछ ना कुछ ऐसे ही होगा. बट ठीक है, उन्होंने उसी पर रहे. बट सिस्टम आई थिंक सो उस टाइम का बहुत ही एकदम मिसमैनेज था क्योंकि हमारा एग्ज़ाम कैंसिल, हम सेंटर तक पहुँच गए तब भी हमारा एग्ज़ाम कैंसिल हो गया. ठीक है, ये मेरे साथ दो बार हुआ तो उन्होंने मेरी फिर आगे पोस्टपोन करी ऑफकोर्स. बट ठीक है, ये एक बच्चे के लिए ट्रॉमेटाइज होता है क्योंकि वो इतनी तैयारी के साथ जाता है और वहाँ पर इतनी मिसमैनेजमेंट हो जाती है कि आपको पता ही नहीं चल पाता कि आपको एग्ज़ाम देना, आप इतना प्रिपेयर अपने को करके जाते हो फिर उसके बाद एकदम एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है तो फिर हम इतना नहीं सोच पाते कि उसको क्या करना चाहिए. बट ठीक है, हमारा एग्ज़ाम हुआ, फिर बाय द गॉड ग्रेस मेरा LSR में सिलेक्शन हो गया. तो इट वॉज ऑल वर्थ इट. ऑफकोर्स जितना भी ट्रॉमा हमने झेला, जितना भी था, सब कुछ वर्थ इट हो गया जब LSR में एडमिशन मिल जाता है. ऑफकोर्स पेरेंट्स ऑफकोर्स हैप्पी हो जाते हैं और आप भी सेटिस्फाइड फील करते हैं कि आपका, आपने जो भी था अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराया. तो 2-3 months की जो भी जर्नी थी एक एज अ एडवेंचरस थी कि अप्स एंड डाउन. फिर उसके बाद आप अपने एक जो भी आपका जो थी जहाँ पर आपको पहुँचना था वहाँ पर पहुँच जाते हो. तो ये पूरा एक ऐसा जर्नी थी कि अब मैं सोचती हूँ उसके बारे में तो एकदम हंसी आ जाती है कि ऐसी जर्नी मैंने एकदम मतलब एक्सपीरियंस करी है क्योंकि हमारा जो बैच है वो एक अलग ही एक्सपीरियंस में चलता है हर बार. तो वो हमने एक्सपीरियंस करा तो इट्स बेटर. तो वो आई थिंक कोई और एक्सपीरियंस नहीं करा, इसका भी एक अलग ही मजा है. उस वक्त हम ट्रॉमा कर रहे होते हैं बट अब हमें ऐसा लगता है अरे बढ़िया था. तो अब तेजल का भी आई थिंक सेम ही होगा. बट ठीक है, हर की जर्नी अलग होती है तो क्या पता आपको उसकी जर्नी से कुछ नया सीखने को मिल जाए. ऑब्वियसली मेरी जर्नी थोड़ी आप लोगों से, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं उनसे थोड़ी सी डिफरेंट होती है जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, बिकॉज मैं खुद एक साइंस बैकग्राउंड से हूँ. और मेरा एम था पहले से ही मुझे आर्ट्स लेना है, बट प्रॉब्लम ये आ गई थी कि मेरे स्कूल में हिंदी लैंग्वेज कंपल्सरी थी उसमें आर्ट्स बैकग्राउंड में, तो मुझे हिंदी से बहुत डर लगता है बिकॉज मेरे 10th में मार्क्स कटे थे. मुझे लगता है कि भाई हिंदी से तो मुझे दूर ही रहना है, तो इसलिए फिर मैंने साइंस ली बिकॉज मेरा मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट था और उसके बाद आर्ट्स भी मेरा फेवरेट था. तो आर्ट्स में सारे सब्जेक्ट मुझे पसंद है बट मैथ्स भी मुझे पसंद था तो इसलिए मैंने साइंस लिया. मैंने 11th 12th में सोचा था भाई मैं इतनी मेहनत करूंगी कि मुझे जाना है दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ साउथ कहीं ना कहीं तो जाना ही है, नॉर्थ साउथ कैंपस कोई भी कैंपस मिल जाए बट आई विल गो. और मैंने मेहनत भी करी उस हिसाब से, 12th में भी बहुत करा. फिर मुझे एंड में पता चलता है कि नहीं, दो बार हमने एग्जाम दिए, इतना करा, फिर एंड में हमें लगता है कि नहीं, एवरीथिंग वॉज जस्ट लाइक नथिंग बिकॉज अब हमारे सीयूईटी एग्जाम्स आ चुके हैं. एंड लिटरली मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था, 2 months भी थे उसमें भी मुझे पता बस इतना था कि मेरे को 1 महीना मिल रहा है बिकॉज जून में मेरे एग्जाम खत्म हुए 12th के एंड हमें पता था जुलाई से स्टार्टिंग है उसकी, 15 जुलाई. तो मुझे कोई आइडिया नहीं था, मेरा 13 जून को लास्ट एग्जाम था उसके बाद मुझे आइडिया था. अब मुझे क्या पता कि मेरी अगस्त में डेट आएगी जुलाई में डेट आएगी, बट मेरी डेट थी 5 अगस्त एंड 7 अगस्त, दो दिन की डेट थी तो वो तो हो गया, ठीक है कोई बात नहीं. ऊपर से मेरे को जो मेरे जर्नी की अच्छी बात ये लगती है कि मैंने इसमें सीखा कि कैसे सेक्रीफाइसेस करने होते हैं अगर आपको सक्सेस चाहिए तो. बिकॉज मैंने 12th तक तो मेहनत कर ली थी बट फिर उसके बाद मुझे ये था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑब्वियसली बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन होगा क्योंकि साइंस 13 लाख स्टूडेंट्स आते हैं और उसमें तरह तरह के बैकग्राउंड के. यस, और उसमें ये है कि साइंस बैकग्राउंड का बच्चा जब आर्ट्स में जाना चाहे तो उसको स्कोर बहुत हाई करना पड़ेगा क्योंकि आप ये देखेंगे कि आर्ट्स की जो परसेंटेज होती है वो हमेशा हाई होती है, 98-99% नॉर्मली, और साइंस का जो होता है वो थोड़ा कम हो जाता है. तो मेरे को और डबल मेहनत करनी थी. तो मैंने क्या ट्रिक अपनाई, मेरे फादर ने मुझे बोला था और मतलब ये मेरी खुद की भी चॉइस थी बहुत ज़्यादा एंड मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत सक्सेसफुल रहा कि मेरे पास ना व्हाट्सएप ही एक डिस्ट्रैक्शन था. आई डिडंट यूज़
इंस्टाग्राम, तो व्हाट्सएप मेरा डिस्ट्रैक्शन था. तो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने व्हाट्सएप डिलीट मारा. 13 जून को मेरा एग्जाम खत्म हुआ, मैंने उसी दिन व्हाट्सएप परमानेंटली डिलीट मार दिया. एंड देन उसके बाद मेरा किसी से कोई कनेक्शन नहीं है. लाइक फॉर 1.5 जब तक मेरा एग्जाम नहीं हुआ ना, इट वॉज लाइक कि भाई मैं किसी को नहीं जानती, सिर्फ मैं घर में हूँ, मेरे पेरेंट्स हैं और बस. मेरे को कोई बर्थडे के लिए बुला रहा है, किसी भी चीज़ के लिए बुला, आई एम नॉट गोइंग एनी वेयर. बस मेरा स्कूल में एक जगह पे, मतलब मेरे टॉपर्स की लिस्ट में मैं थी, तो ऑब्वियसली उन्होंने बुलाया था, तो उसमें मैं गई थी क्योंकि स्कूल वालों ने बुलाया था. अदरवाइज उसके अलावा मैं कहीं नहीं गई. नहीं, मैं तो अपनी जिंदगी मस्त जी रही थी भाई. भाई मेरे को बहुत टेंशन थी, क्या अगर हो जाएगा तो ठीक है, वरना कॉरेस्पॉन्डेंस तो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का. नहीं, मैं ये था कि ठीक है, मैंने अपने आप में मतलब पढ़ा, बट इतना भी नहीं कि मैं अपने आप को एकदम ऐसे घर में एकदम बंद कर दिया. हाँ, मेरा ये था कि देखिए मैं घर पे रहती हूँ, मेरे को इतना नहीं है, मैं बाहर अपने टहलने जाऊंगी. जो स्पोर्ट्स है ये मेरे को बहुत पसंद है, बट ऐसा नहीं था कि मैं रोज पार्टी. वैसे तो मैं पहले भी नहीं करती थी, बट उस टाइम पे भी मेरा सब कुछ स्टॉप था. वरना बच्चे होते हैं 12th के बाद, भाई अब तो मैं बड़ी हो गई, मैं इसके बर्थडे में जाऊंगी, उसके बर्थडे में जाऊंगी. बट ऑल दीज आर डिस्ट्रैक्शंस, आप इनको बस साइड कर दीजिए एंड फिर उसके बाद आप पढ़ाई करिए. और मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा अगर आप अपने डिस्ट्रैक्शन हटा देंगे तो. और बाकी तो सब बढ़िया ही है. और उसके बाद मैंने बस एग्जाम दिया, हो गया भगवान की कृपा से. हम सब ने एक एक बैकअप भी रख लिया था. मैं 2 महीने किसी और कॉलेज में भी चली गई थी, वहां पे मेरा मन भी लग गया था, बट इट्स ओके. फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा तो फर्स्ट लिस्ट में ही आ गया था. मेरा भी फर्स्ट लिस्ट में ही आ गया था, बट मेरे को ये क्योंकि इन्होंने मेरा ये आपको रहता है कि इतने बच्चे हैं कि हमारा ही क्यों होगा, मुझे ऐसी फीलिंग थी. मेरे को बहुत लग रहा था कि यार, मेरा अगस्त में आई थिंक अगस्त में एग्जाम खत्म हो चुके थे. मैंने सितंबर से नवंबर 2 महीने की मैंने कहीं और एडमिशन ले ली, क्योंकि मुझे लगा पता नहीं कब रिजल्ट आएगा, और अगर मेरा नहीं हुआ तो हमारा जाऊंगी. नवंबर में हमारा स्टार्ट हो गया. नवंबर में हमने एंट्री ली थी, अक्टूबर में हमारा मतलब सिलेक्शन हो गया था. तो फिर मैंने अक्टूबर एंड से, जब दिवाली आई थी, तो फिर मैंने सब कुछ छोड़ के फिर मैं घर आ गई थी. एंड उसके बाद मैं दिल्ली आई एंड फिर वहां पे मुझे ये मिली. एंड ये बहुत ही कोइंसिडेंस है, हम अपनी स्टोरी कभी बाद बताएंगे. बहुत ही एकदम हमारी फ्रेंडशिप स्टोरी स्पिरिचुअल है, एकदम बहुत स्पिरिचुअल है सच में. ऐसा हम कहते भगवान ने हमें मिला है, तो आपको इसके बारे में बताएंगे. अब हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं गाइस, कि इज कोचिंग रेलेवेंट और नॉट, इफ यू लाइक इफ यू वांट टू ज्वाइन कोचिंग और नॉट. सो इन माय ओपिनियन ऑफ कोर्स कि आपको नहीं करनी चाहिए. मैं बताती हूँ रीजन ऑफ कोर्स कि एक तो पहली बात, हमारे टाइम पे मैं नहीं पता था कि क्या सिलेबस है, बट अब सब कुछ क्लियर कट है कि 12th तक का आपका सिलेबस है. अगर 12th में जो भी आपने पढ़ा वही सिलेबस है. जो कट हुए चैप्टर हमारे 12th में वो भी आएंगे इस बार, बट अगर आप स्टार्टिंग से, ऑफकोर्स आप अगर स्टार्टिंग से लो, अगर आप एक एक चैप्टर भी करके करो ना अच्छे से, तो आई थिंक सो कोचिंग की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आपको पता है स्टार्टिंग से आपका CUET आपको देना ही पड़ेगा. तो फिर इसलिए हमारे पास कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है. तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम स्टार्टिंग से ही पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं. साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आई थिंक सो, बिकॉज मैं आर्ट्स से थी, तो मुझे तो ये था कि ठीक है रट्टा मारना, डेट्स लर्न करनी, ये सब करना है, हो जाएगा. तो बट देखिए मैं आपको साइंस का अपना एक्सपीरियंस सिंपल से बता देती हूं. आर्ट्स में भी ये होता है कि आप डेट्स वो थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न करके दे देते हैं. मैं बताती हूँ, देखो मेरे को पहला कन्फ्यूजन यही था कि क्या मुझे उन्हीं सब्जेक्ट्स में एग्जाम देना है जिसमें मैंने पढ़ाई करी है, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी में बहुत बेटर कर सकती हूँ अगर मैं एक महीना भी पढ़ू तो, बिकॉज मेरा आर्ट्स बहुत स्ट्रांग है. तो मैंने वो भी करा, तो मैंने आर्ट्स का भी एग्जाम दिया था और साइंस का भी. बट ऑब्वियसली दिल्ली यूनिवर्सिटी सिर्फ जिसमें आपने 12th पास आउट करा है वही वाले सब्जेक्ट्स काउंट करते हैं. तो मेरा वेन गया, बट नो प्रॉब्लम. मैं उससे यही एक्सपीरियंस बता सकती हूँ कि मैंने बहुत कम पढ़ा था ह्यूमैनिटीज के लिए, बट लिटरली मेरा बहुत अच्छा था, मेरा बहुत अच्छा गया था. लाइक इन 200 आई गॉट 180 एंड 160 मार्क्स. अच्छा स्कोर है यार. यस, तो इसलिए मुझे लगता है कि इट्स नॉट टू डिफिकल्ट. एंड इवन साइंस वालों के लिए भी इट्स टू इजी, बिकॉज आपको मेनली वो न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस देते हैं, एंड जो भी न्यूमेरिकल के क्वेश्चन होंगे सिंपल फॉर्मूला बेस्ड होंगे, एंड प्लस कुछ थियोरिटिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो उनको आप आंसर कर सकते हैं. तो मेरे अकॉर्डिंग कोचिंग की इतनी कोई नीड नहीं. अगर आप 12th अच्छे से कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बिकॉज अगर आप दिस इज नॉट JEE एडवांस वाला लेवल कि भाई यू हैव टू स्टडी वेरी मच, और नीट वाला एग्जाम इट्स वेरी, इसका जो लेवल है वो उससे कम है. बिकॉज बट ये कॉम्पिटिशन अब हाई, जैसे हमारे हमारे में होता है, देखिए JEE एडवांस में होता है कि सारे बच्चों को आंसर नहीं आता है,
बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सबको आंसर आएगा, तो आपको फुल ऑन फुल देना है तभी आपका सिलेक्शन होगा। 800 में से 780, 700 प्लस स्कोर करेंगे तब आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो सकता है। ऐसा नहीं है, आपको जो जिनके पास कुछ कैटेगरी का होता है उनका तो 300 में भी हो जाता है, जनरल कैटेगरी में जो हम जैसे जनरल कैटेगरी वाले लोग हैं उनको प्लीज थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बट अगर हाँ कोचिंग की आई डोंट थिंक क्योंकि आजकल हर कोई जब भी देखो किसी यूटी के लिए कोचिंग में जा रहा है, ठीक है हर की कैलिबर पर डिपेंडेंट करता है, कोई सेल्फ स्टडी अच्छे से कर लेता है, किसी कोचिंग जाकर अच्छे से समझ आता है, तो ऑफकोर्स ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है ऑफकोर्स। बट हमारी तरफ हमारी तरफ से हमारे ओपिनियन से ज्यादा लोगों को खुद ही सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना चाहिए, बिकॉज ये इजी प्रोसेस है, आपको खुद ज्यादा समझ आता है, बार बार रिविजन करोगे तो आपके दिमाग में बैठ ही जाएगी चीज एक नाइट टाइम पर। तो आई थिंक सो कोचिंग जो है इट इज नॉट नेसेसरी, दैट मच नॉट नेसेसरी कि आपको लेनी ही चाहिए, अगर आपका अगर आप कोचिंग होगी तभी आपका क्लियर होगा, इट्स नॉट दैट कंपल्सरी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू डू सेल्फ स्टडी। हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस हम छोटे छोटे पॉइंट्स इसमें पॉइंटर्स में बताना चाहेंगे कि कैसे आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। तो सेल्फ स्टडी का सबसे पहला यही है कि जब आपने ट्वेल्थ अपनी स्टार्ट करी तब से आप अपना पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके सामने है पिक्चर कि आपको सीयूईटी देना है, तो आप फर्स्ट चैप्टर को आप अगर टीचर पढ़ा दी तो आप उसे उसके नोट्स बना लो, उसी को लास्ट में बस रिवाइज कर लो, बस जब आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है, जैसे हम यूपीएससी में करते हैं कि हम अपने पॉइंटर्स, यूपीएससी तो बहुत बड़ा एग्जाम है ऑफकोर्स, बट सीयूईटी के लिए मैं बता रही हूँ जैसे उससे तो बोलते हैं 3 बार रीडिंग करनी चाहिए, तो आप 2 बार एक चैप्टर को पढ़ लो बस इनफ, पहले आपने रीडिंग मार ली फिर दूसरी बार आपने उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स हैं वो आपने उसके नोट डाउन कर लिए, तो आई थिंक जो कि रिलेवेंट है और मुझे लगता है कि सीयूईटी ऑफकोर्स क्लियर हो जाना चाहिए। यस, अगर आप जनरल कैटेगरी तो आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो आपका हो जाना चाहिए, आई थिंक सो हो जाएगा। एंड प्लस एक और पॉइंट जो मैंने एड ऑन करा था अपने टाइम पे, हालांकि हमारे टाइम पे कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं थे, बट फिर भी अरिहंत एंड ऑल जो भी कंपनीज हैं पब्लिकेशंस हैं तो वो सारे निकालती हैं लाइक सॉल्ट क्वेश्चंस कि जो आने के चांसेस होते हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को सैंपल पेपर्स को सॉल्व करिए। लाइक फॉर एग्जांपल ये तो नॉर्मल सब्जेक्ट्स की बात हो गई, अगर आपको जनरल टेस्ट की तैयारी करनी है, बिकॉज मैंने उसकी तैयारी करी थी, एक तो यूट्यूब पे आपको इतना मिले, लिटरली यूट्यूब वाज द प्लेटफॉर्म दैट आई वाज जस्ट लाइक डिपेंडेंट, मैंने फॉर एवरीथिंग करके मैं यूट्यूब पर डिपेंडेंट हो गई थी, और कुछ सर्स थे आई थिंक यूट्यूब पर जो पढ़ा रहे थे एकदम कंसिस्टेंट पढ़ा रहे थे लिटरली, वो कि मैंने कहा यार इनसे बढ़िया कोई नहीं पढ़ा सकता। यस तो मेरा यही सुझाव रहेगा जनरल टेस्ट वालों के लिए कि आप एक तो अपने लिए एक क्वेश्चन बैंक टाइप का बुक खरीद लीजिए, एंड जनरल नॉलेज के लिए रहेगा, बाकी डोमेन वगैरह के लिए नहीं चाहिए, नहीं डोमेन वगैरह के लिए चाहिए एनसीईआरटी, बट इन साइंस फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड मैथ्स आई थिंक उसके लिए आपको एक ले लेना चाहिए, बिकॉज इससे आपको क्वेश्चन का वो मिल जाता है, एंड प्लस जनरल टेस्ट में जो हमारा मैथ्स वाला आता है उसकी अच्छे से तैयारी करिएगा, बिकॉज उसमें ट्रिक्स लगते हैं, एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन पेपर के टाइम पे बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, ट्रिकी लग रहा है, ज्यादा टाइम लगने वाला, उसको उसी टाइम स्किप कर दीजिए, मैंने अपना आधा घंटा उसी में वेस्ट कर दिया था स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में, तो वो बिल्कुल नहीं करना है, जो क्वेश्चन आ रहे पहले उनको जल्दी जल्दी कर दीजिए, बिकॉज जनरल क्वेश्चन के जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं प्लस मैथ्स के भी आते हैं, उसमें बहुत ईजी भी होता है, तो पहले जो आ रहे हैं उनको सॉल्व करिए एंड देन उसके बाद आप उसको करना। तो मेरा हमारा बस यही सुझाव है कि एक तो ट्वेल्थ के साथ अपनी पढ़ाई करिए, बीएचयू वगैरह में अगर आपको जाना जहाँ पे जनरल टेस्ट की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए आप सिंपली यूट्यूब लीजिए और एक क्वेश्चन बैंक लीजिए, दैट इज मोर देन इनफ फॉर हाँ सेल्फ स्टडी के लिए इतना इनफ है, और मोर देन आई थिंक 3-4 hours आर लाइक इनफ फॉर सेल्फ स्टडी, अगर आप ज्यादा करोगे तो आप पे ज्यादा प्रेशर आ जाएगा। सो आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपको टाइम कितना देना है, ऑब्वियसली अगर हम 12th से काउंट करें तो कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है, जितना टाइम है उतने में आप लाइक 1-2 hours क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने में, उनको रिवाइज करने में, लर्न करने में उसमें लगाइए, बाकी जब आपका एग्जाम खत्म हो जाता है उसके बाद आपको 1 month, 2 month or 3 months का टाइम मिलता है कि आप पूरी अच्छी तरीके से पूरे 12th का रिवीजन कर सकते हैं, आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ। यस 3-4 hours इज इनफ फॉर लाइक 12th के बाद, अपने 12th अच्छे से कर लिए तो बस हो गया, बस रिवीजन चलेगी उसके बाद, तो 1 महीना भी बहुत है भाई, कितना ही कोई रिवीजन करेगा, आई थिंक अगर 12th अच्छे से पढ़ ली तो टाइम आपका 1-2 hours जाएगा रोज का बस, और उसमें आपकी सिलेक्शन तो पक्का है भाई, क्योंकि हम इतना ना पढ़कर तब पहले साल में पहुंच गए। बस ये हमारा ये है कि अगर आप ऑनेस्टी से, लिटरली ऑनेस्टी से और ध्यान लगा के पढ़ेंगे ना,
तो फिर इतना नहीं है कि भाई आपको 12-16 घंटे पढ़ने की जरूरत है। हाँ। मैंने कभी आज तक जिंदगी में पढ़ाई नहीं करी। 12-16 घंटे कौन पढ़ता है, मुझे तो कोई नहीं पढ़ता। वो बोलते हैं बट आई कुछ होते भी होंगे ऑफकोर्स जो मतलब कुछ ज्यादा, जैसे IIT और नीट के जो बच्चे होते हैं ऑब्वियसली वो बहुत पढ़ते हैं। CA वाले भी पढ़ते होंगे, UPSC। बट अभी आपका इतना हार्ड एग्जाम नहीं है, आई थिंक इट्स वेरी इजी एग्जाम, तो आप लोगों से हो सकता है। इजी तो नहीं है ऑफकोर्स, क्योंकि अभी हमने देखा अभी पिछली बार का रिजल्ट, तो उसमें बहुत बच्चे थे जिनके 700 तक आए बट उन्हें भी एडमिशन नहीं मिला। yes, competition तो, बहुत competition है यहाँ पर मेनली, आपके नंबर भी मैटर नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। yes, competition. क्योंकि exam, मैंने वही exactly बोला ना कि एग्जाम इजी आएगा बट कॉम्पिटिशन इतने कि आपको 800 में से 800 कर देंगे, अगर आपका आएगा तो आपको नीचे ले जाएंगे। 800 में से 800 अगर आप लाएंगे ना तभी आपका सिलेक्शन है। आप ये एम लेके चलिए, जब आप इतना एम लेके चलेंगे तभी आपका हो पाएगा। हाँ। हमारे हिसाब से बट ऑनेस्टी से आप पढ़ेंगे आई थिंक यू कैन डू इट। हाँ बट मैं अपनी फ्रेंड का एक्सपीरियंस बता दूँ, उसका CUET ने एक्चुअली बैक लिया मतलब ड्रॉप लिया था 1 ईयर का, तो ऑफकोर्स उसका इस बार भी नहीं हो बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन, क्योंकि उसमें उसका स्कोर कम कर दिया, उसका आंसर जब की उन्होंने ड्रॉप करते हैं तो उसमें ज़्यादा आता है, बट अब उसका जब उसने रिजल्ट देखा तो उसमें सीधा उसका ड्रॉप था 50-60 मार्क्स का, तो आप देखिए कितना कंपटीशन है कि 50-60 मार्क्स ड्रॉप कर दिए उसके मार्क्स। सो मुझे लगता है कि कंपटीशन तो बहुत है, और आप ये भी कह सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक बैग। ठीक है गाइज, तो आई थिंक अभी हमारे कुछ ही क्वेश्चंस थे, अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए क्वेश्चंस, हम जरूर उन्हें आंसर करेंगे। और से भी जिनके एक्सपीरियंस, हम औरों के भी लेंगे। अभी ये हमारा फर्स्ट एपिसोड है, इसके बाद ऑब्वियसली हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो हमारे कॉलेज के हैं, और हम अपनी जर्नी के भी बारे में बताएंगे कि LSR की लाइफ कैसी, हमारी फ्रेंडशिप कैसी, हम सब कुछ बताएंगे। बस आप हमसे जुड़े रहिए, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मोरवी ब्लॉग्स। यस, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड जस्ट लाइक द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।